हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर जो 8D है, इसका क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और बहुत सिंपल तरीका सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। बस आप वीडियो में 1 से 2 मिनट बस सिर्फ बने रहें। 2 sin q theta upon 2 cos q theta minus cos theta, ये आपके सामने दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए अंश में जो साइन थीटा माइनस टू साइन पे क्यू थीटा है, यहाँ से हमको साइन थीटा कामन मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, साइन थीटा कामन है तो अंदर बचेगा क्या, साइन के जगह पे 1 बचेगा, माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका बचेगा। इसी तरह नीचे कास कामन है तो कास ले लीजिए, तो आपके बचेगा क्या, 2 cos² थीटा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए cos² थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए cos² थीटा जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम 1 minus 2 sin² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फार्मूला ये है। और cos² थीटा का ही अगला फार्मूला होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, ये फार्मूले होते हैं cos² थीटा का। फ्रेंड्स यदि ये फार्मूला याद है तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, यदि ये फार्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या करना है, अब इसको देखिए और यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए 1 minus 2 sin² थीटा, 1 minus 2 sin² थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो sin थीटा है, साइन थीटा, और कोष्ट में ये किसका फार्मूला है, cos² थीटा, यानी कि इसके जगह पे हम cos² थीटा लिख सकते हैं अपान ये cos थीटा, तो cos थीटा रहने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 cos² थीटा माइनस 1, 2 cos² थीटा माइनस 1 जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे cos² थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos² थीटा लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंश और हर को ध्यान से देखिए, तो ये आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका जितना बच रहा है उसको लिखिए, यहाँ पे आपका बच क्या रहा है, sin θ / cos θ, और जहाँ पे sin θ / cos θ बचता है उसको लिखते हैं हम क्या, tan θ। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपको सॉल्व करके लाना था। ऊपर क्वेश्चन है देख लीजिए, ये आपको राइट हैंड साइड में क्या लाना था, tan θ, जो कि यहाँ पे tan θ आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप प्रूव कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। ये त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है कि cosec a माइनस साइन ए, अगले क्वेश्चन में sec a माइनस cos ए इक्वल टू सिद्ध करना है 1/tan a + cos a। तो फ्रेंड्स बस सिद्ध करने में आपको करना क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इक्वल करना पड़ता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें हम यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और उसके साथ में हम राइट हैंड साइड को भी साथ में ही सॉल्व करेंगे, तभी आपका दोनों पक्ष इसमें बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम 1/sin a लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस और साइन ए यहाँ पे है आपका। फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें, यदि त्रिकोणमिति आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है तो आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं वो आपके जबान पे याद होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है वो भी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अदरवाइज आपसे त्रिकोणमिति का सवाल नहीं लग पाएगा। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उसको आप याद रखिएगा। तो आपके सामने ये sec a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, माइनस cos a को
इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष साथ में लेके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके वन है और पाँच, यहाँ से टेन ए को तो इसी तरह रहने दीजिए, प्लस आपको काट ए का पता होना चाहिए कि काट ए को हम क्या लिख सकते हैं। काट ए को हम वन अपान टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ले सकते हैं, यहाँ पे एक ले सकते हैं और यहाँ पे भी एक ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे त्रिक गुणा करके इसको देखिए एक गुणा यहाँ पे करेंगे, साइन एक यहाँ पे और साइन एक इसमें किया जाता है। देखिए एक का गुणा एक में करेंगे कितना होगा आपका एक, साइन ए का साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अपान एक का जब साइन में करेंगे तो कितना होगा साइन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले क्वेश्चन में जिस तरह ये इसको किए उसी तरह इसको भी एक का गुणा एक में करेंगे एक होगा, और माइनस कास का कास में करेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए होगा, अपान कास ए का एक में करेंगे तो आपका कास ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेप आप वन लिखिए अपान लिखिए, देखिए टेन का टेन में करेंगे टेन स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर ए, प्लस वन का वन में करेंगे वन अपान टेन ए होगा ये। ठीक है, फार्मूला सबसे अच्छा तरीका है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे पहले आपको फार्मूला एक बार लिख के सभी फार्मूले आपको लिख देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आपके सामने ये फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या है कि देखिए आपका फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए जहाँ लिखा होता है वहाँ पे वन माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये आपका है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला है कि कास यहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। आपको सभी फार्मूले जितने यूज होते हैं याद होना चाहिए फ्रेंड, एक बार नहीं हमने आपको कई बार बताया है और आपके साथ याद होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर ए जहाँ लिखा होता है वहाँ पे हम वन प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अगला फार्मूला आपका है कि सेक स्क्वायर ए जहाँ लिखा होता है वहाँ पे हम वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये फार्मूला सभी याद होगा फ्रेंड्स, तभी आप लगा सकते हैं कि अदरवाइज लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपको किस तरह यूज करना है। चलिए सभी फार्मूला के यहाँ पे आप यूज कीजिए। देखिए क्या करना है कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ पर लिखा है, यानी देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप कास स्क्वायर ए अपान, अब साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे कास स्क्वायर ए लिखे हैं और साइन ए है तो साइन ए गुणे का चिन्ह, वन माइनस कास स्क्वायर ए जहाँ पे वन माइनस कास स्क्वायर ए है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपान कास ए है तो कास ए रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए वन माइनस कास स्क्वायर ए है तो वन माइनस कास स्क्वायर ए के जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कास ए है तो कास ए इक्वल टू वन। देखिए अब जब बटा के बटा होता है फ्रेंड्स तो इसको हम पलट देते हैं या पहले लिख लेते हैं एक बार तब पलटेंगे। देखिए और टेन स्क्वायर ए प्लस वन, तो देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस वन के जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपान टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कास ए से एक कास कट जाएगा, साइन ए से ए वो साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे कास ए बचेगा गुड़े में साइन ए बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बच रहा है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि जब बटे के बटा हो तो पलट जाता है, यानी टेन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए को पता होना चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए टेन ए जहाँ पे लिखा होता है, ये भी फार्मूला याद होना चाहिए। टेन ए के जगह पे ये एक बार नहीं आपको कई बार हमने बता दिया होगा, जहाँ टेन ए लिखा होता है वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार हम साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए तो साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं और इसकी अपान क्या है यहाँ पे स्क्वायर ए के जगह पे वन अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं। अगला स्टेप आपका क्या है, ये आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, गुणा में हम चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें वो बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए ये साइन ए अपान कॉस ए है
ठीक है, गुणा का चिन्ह देखिए जब बटा के बटा तो पलट जाता है, यानी कास स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे एक आ जाएगा। देखिए कास से कास एक कट जाएगा, आपका बचेगा कितना, कास से बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि साइन ए इंटू कास ए स्कल टू, देखिए यहाँ से साइन बच रहा है आपका और यहाँ से सिर्फ कास बच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें होती है फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, तभी आप त्रिकोणमिति का सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को इस तरह लगाते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों पक्षों का सॉल्व करना पड़ता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड ही लाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों पक्षों को साथ में सॉल्व करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।